हेलो गाइस, दिस इज़ आकाश वर्मा। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ड्रॉ विद आकाश। आप सभी ने टीवी पर टॉम एंड जेरी कार्टून तो देखा ही होगा। इस वीडियो में हम जेरी का फिगर ड्रॉ करेंगे। स्टार्टिंग में हम आउटलाइन को लाइटली ड्रॉ करेंगे एंड लास्ट में हम आउटलाइन को डार्क ड्रॉ कर देंगे। गाइज, यहाँ पर मैं डॉम्स की इरेजर और मैकेनिकल पेंसिल 0.5 का यूज़ कर रहा हूँ। गाइज, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है इसलिए इसमें कैमरे का इशू हो सकता है, पर आप नोटिस कीजिए कि क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ या नहीं। यहाँ पर जो एरियाज़ मुझे लास्ट में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डार्क चाहिए उनको मैं पहले से ही हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि मुझे लास्ट में प्रॉब्लम ना हो, जैसे आइज़ और नोज़ को किया है। अपनी ड्राइंग को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कीजिए, उसके बाद में किसी पर्टिकुलर सेक्शन को उठाइए और उसे ड्रॉ कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में नोज़ को, आइज़ को ड्रॉ किया था, देन अब मैं लिप्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। इसी प्रकार आप भी अपनी ड्राइंग को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके ड्रॉ कर सकते हैं। गाइस, यहाँ पर मैं पेंसिल पर बिल्कुल लाइट प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। वीडियो में थोड़ा लाइट का इश्यू हो सकता है, पर हमें लर्निंग एबिलिटी पर वर्क करना है। स्टार्टिंग में गाइस हम अभी ओनली आउटलाइन पर वर्क करेंगे। गाइस, जितनी अच्छी आप आउटलाइन को ड्रॉ कर लोगे उतनी अच्छी आपकी ड्राइंग लगेगी, और जब आप उसमें शेड दे दोगे तो बिल्कुल रियलिस्टिक लगेगी। आई होप आपको ट्यूटोरियल समझ में आ रहा होगा। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर मैं जेरी का हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ। गाइस, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ, ये वीडियो रियल टाइम में नहीं है। रियल टाइम में इसको ड्रॉ करने में मुझे 15 मिनट्स लगे थे। गाइस, जो टाइम कंज्यूमिंग एरिया है उसमें अपना टाइम दीजिए, बस पेशेंस के साथ में ड्रॉ कीजिए। स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत टाइम लगता था, पर अब पहले से मेरी भी स्पीड अप हो चुकी है। अपने ऑब्जेक्ट को केयरफुली देखिए और नोटिस कीजिए कौन सी लाइन किस जगह आकर कहां पर कैसे मिल रही है। इस 100% तो किसी का मैच नहीं करता। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को 70 से 80% भी मैच करा देते हो रियल ड्राइंग से, तो शेड होने के बाद में आपकी ड्राइंग बहुत ही परफेक्ट बनती है। इस वीडियो में हम ओनली आउटलाइन को ही ड्रॉ करेंगे। आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम शेडिंग टेक्निक पर वर्क करेंगे। ऐसा फिनिशिंग लाने के लिए मैं अपनी पेंसिल पर प्रेशर को इनक्रीज़ करता जा रहा हूँ, आप नोटिस कर पा रहे होंगे। प्रेशर इंक्रीज करने से हमारी आउटलाइन डार्क ड्रॉ होने लगी। गाइस, बस यही बेसिक मेथड है। स्टार्टिंग में अपने ऑब्जेक्ट की आउटलाइन हमें डार्क ड्रॉ नहीं करनी है, लाइटली ड्रॉ करनी है। देन फिनिशिंग लाने के लिए हमें प्रेशर पेंसिल पर इंक्रीज करना है, उसके बाद में हमें डार्क आउटलाइन ड्रॉ कर देनी है। आप लोग भी आर्टिस्ट हैं, आप अपने खुद के आइडियाज़ अपनी ड्राइंग में ऐड कर सकते हैं। आई होप मैं आउटलाइन के बेसिक रूल आपको समझा पा रहा होगा। यहाँ पर हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। मैंने स्टार्टिंग में लाइटली आउटलाइन को ड्रॉ किया था,
उसके बाद में मैंने फिनिशिंग लाने के लिए अपनी पेंसिल पर प्रेशर इंक्रीज किया और डार्क आउटलाइन ड्रॉ कर दी। बस यही बेसिक मेथड है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो।